प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू गाइज, मतलब मुझे इतना पसंद आया है। और मॉर्निंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे, आप लोग जानते हो, टोनिंग करती हूँ, जो सी टी एम करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं और चीज़ें लगाऊंगी तो मुझे कुछ अगर कंसीलिंग भी करनी है तो अच्छा नहीं लगता। सो वन प्रोडक्ट विच आई एम जस्ट इन लव विथ इट इज फ्रॉम सिल्वरडीन दिस सनस्क्रीन गाइज, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी ले रही हूँ एंड इसके बाद ना मुझे कुछ और लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और मैं आपके सामने आपको इसका आफ्टर इफेक्ट दिखाती हूँ, कितना अच्छा ग्लोई स्किन हो जाता है गाइस, मतलब वेट आई विल जस्ट शो यू, डोंट एवर फॉरगेट योर नेक। Just leave it on your skin and look at the glow what you get after applying it. और ये non-sticky है, बहुत मतलब smooth and soft है, बिल्कुल greasy नहीं है। और अगर मुझे इसके ऊपर भी concealing करनी है, मुझे कुछ और product लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। Trust me on this, you can see that glow on my face. मतलब बहुत अमेजिंग सनस्क्रीन है गाइस, आई एम शेयरिंग द लिंक हियर। इसमें आई थिंक 15% ऑफ है, प्लस कोमल 10 यू विल गेट 25% ऑफ। आई एम शेयरिंग द लिंक एंड कूपन कोड ओवर हियर, डोंट मिस इट आउट, सी दैट ग्लो। अगर आपको ऐसे छोड़ना आप ऐसे छोड़ दो, इतना मजा आ गया इसको लगा के। फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, लाइट वेट है, पैकेजिंग तो अच्छी है ही है, और आई एम जस्ट लविंग इट बिकॉज my skin feels hydrated all day long. So I am gonna show you one product which is a must have. मुझे इतना अच्छा लगा है, मैंने आज आपके सामने, मैंने कल यूज़ किया था थोड़ा सा, आज मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ, taking this concealer shade and just applying it on my under eyes, जहाँ जहाँ marks हैं थोड़ा थोड़ा लेना है। गाइज इसमें ना सारे कंसीलर्स हैं, लुक एट दिस, सारे। अब मैंने थोड़ा सा डार्कर लगाया था, अब उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइटर लगाऊंगी फ्रॉम हियर, उसी के ऊपर वाला मैंने लिया है, एंड आई जस्ट ब्लेंड इट ऑल ओवर। बहुत मिनिमम डेली वेयर मेकअप मैं बता रही हूँ कैसे कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ अप्लाई। तो मैं थोड़ा सा लाइटर ले रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर ऑन माई फेस, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है। बेस्ट पार्ट है, आपको कुछ और इस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू वॉन्ट अ कंसीलर, इफ यू वॉन्ट अ करेक्टर, इफ यू वॉन्ट अ ब्लशर, यू कैन यूज इट एंड यू आर गुड टू गो। मैं जो लेफ्ट ओवर ब्रश में है उसी से ही स्मज कर रही हूँ। बहुत अच्छी पैलेट है गाइस ये, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब सारे शेड एंड मैंने कल यूज़ करके ट्राई किया था, बट आज मैं आपके सामने बहुत मिनिमल लिया है, मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस पिंकिश पीच फॉर माय चीक बोन्स हियर। वाओ, यू कैन सी हाउ ग्लोइंग माय स्किन लुक्स। थोड़ा सा मैं चीक की और पिंक करना चाह रही हूँ बिकॉज अब मैं इसके ऊपर पाउडर से सेट जरूर करूंगी बिकॉज आई लव टू डू दैट, उससे मेरी स्किन थोड़ी मैट इफेक्ट हो जाता है एंड पूरा दिन मेकअप स्टे हो जाता है। आई विल नॉट डू एनी कॉन्टोर बिकॉज मैं डेली बेसिस पे नहीं प्रेफर करती हूँ कॉन्टोर करना। एंड मैंने आज जो ब्लशर लगाया थोड़ा अपलिफ्ट करके लगाया, तो यू कैन सी हाउ फ्लॉलेस माई स्किन लुक्स। कुछ नहीं किया भाई मैंने, और बहुत अच्छा लुक है ना, मुझे भी बहुत पसंद आया था, कल ही यूज़ किया था मैंने। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शो, मैं अपने ऑडियंस को क्यों नहीं दिखाऊं, इतनी अच्छा प्रोडक्ट है और एक ही पैलेट में सब कुछ, वाओ। मतलब इतने सारे शेड्स हैं गाइस, देखो ग्रीन ऑरेंज मिक्स एंड मैच करना, लाइट कलर हाईलाइट करना, और अगर आपको कॉन्टोर करना है, सो ऑल स्किन टाइप, इफ यू आर अ बडिंग मेकअप आर्टिस्ट मस्ट ट्राई। वन मोर टिप आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, अब मैं वही सेम ब्रश ले लिया, कोई बात नहीं। अब मैंने जैसे थोड़ा ब्लश पर लगा लिया, तो लोअर लैश पे पाउडर सेट करने से पहले आई अगेन डैब इट विथ अ ब्रश जो मैंने यूज किया है। नाउ आई विल सेट इट विथ माई
loose powder or a compact or anything like you can use. Now look at the effect of it. Obviously पूरे फेस पे भी करूंगी. Wow, देख रहे हो कितना अच्छा लुक आ रहा है. मजा आ गया. तभी मैंने कल यूज किया तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने ऑडियंस को जरूर दिखाऊंगी. सी हाउ फ्लॉलेस माई स्किन लुक्स. अपर आईलिड्स में मैंने नहीं किया अगेन, उसको भी सेट करूंगी पहले, फिर मैं पाउडर लगाऊंगी. अपर लिड पे भी मैं देखो इसको सेट इसलिए कर रही हूँ कि क्रीज लाइन क्रिएट ना हो. नाउ यू कैन जस्ट सी, अब जो क्रीज लाइन हुई थी अब उसके बाद ओपन नहीं करना है. क्विकली टेक पाउडर और कॉम्पैक्ट एंड जस्ट सेट इट. क्रीज लाइन क्रिएट होने मत दो, उसके बाद आप जो मर्जी करना है करो एंड यू आर गुड टू गो. लुक एट द फेस ग्लो गाइस. नॉन फिल्टर है, कुछ नहीं लगाया मैंने, कोई फिल्टर नहीं है, नथिंग एल्स. कैन सी हाउ फाइन माई स्किन लुक्स एंड कितना फ्लॉलेस इफेक्ट आ गया है. मतलब ये तो डेली वेयर के लिए मैंने थोड़ा मिनिमल लगाया, अगर मैं प्रॉपर मेकअप करूंगी स्टेप बाय स्टेप तो कितना अच्छा ग्लो आएगा. नेक्स्ट कम्स माय ब्रोज. उसके बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो बहुत मिनिमल यूज कर रही हूँ मैं. एंड आई एम यूजिंग दिस लेनफर की ब्रो पेंसिल एंड आई जस्ट लव इट. थोड़ा सा यहाँ ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सी लगा रही हूँ, मुझे ज्यादा नहीं करना बिल्कुल भी. आफ्टर दैट आई विल जस्ट सेट इट विद दिस इंडाल्जियो का ग्लो ग्लो. इससे मैं थोड़े से आजकल ना आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा ट्राई करने का मन कर रहा है, आजकल ऐसे वाले ब्रोज करने का मन कर रहा है. आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन माय फेस. बस ऐसे ही वांटेड टू गिव इट अ ट्राई. ट्रेंड में है एंड आई थिंक सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए. नहीं, वन ऑफ माय फेवरेट लिप कलर, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मुझे ये लिप कलर इतना पसंद है. मतलब मुझे पता नहीं कितनी बॉटल्स खाली कर चुकी हूँ. आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस लिप कलर. इट इज 65 नंबर फ्रॉम मेबेलिन. देखो ना लिप लाइन ना कितना अच्छा लगता है. और अब ये लिप कलर ऐसा है, आप कोई भी शेड लो उसको, अगर आपको जैसे अगर डार्क लग रहा है उसके ऊपर हल्का सा लगा दो, मजा आ जाएगा. मतलब आई जस्ट लव इट. इसका लिंक चाहिए मैं नीचे दे देती हूँ. बहुत अमेजिंग लिप कलर है. सब कुछ कर लिया बट एक चीज रह गई, अभी भी आंखें अलग सी लग रही है ना. इट इज बिकॉज हमने मस्कारा नहीं किया या काजल नहीं किया. सो अगर काजल नहीं करना, गो फॉर अ मस्कारा. आई ऑलवेज यूज टू टेल माई स्टूडेंट्स कि मस्कारा ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो. देखो अगर आप लैशेज लगा रहे हो तो कोई भी मस्कारा चलेगा, कैन अप्लाई एनी मस्कारा. बट अगर आप विदाउट लैशेज अपने लैशेज को इन्हांस करना चाहते हो, देन यू मस्ट बाय दिस. अगेन आई एम शेयरिंग द लिंक योर अमेजिंग मस्कारा. ये है लेजिट लैशेज फ्रॉम हूरा ब्यूटी. सी हाउ एक बार में देखो मेरी अपलिफ्ट हो गई लैशेस. ये कर्ल करता है और एक ये लेंथनिंग के लिए होता है. ये वॉल्यूम देता है मस्कारा दिस साइड, दिस ये भी जो वॉन्ड होता है. एंड जो कर्व आया था नेक्स्ट साइड वो कर्ल एंड लेंथनिंग देता है, तो दोनों मस्त है. मतलब 2-3 कोट्स तो अच्छे से लगाने चाहिए मस्कारा के. एंड यू कैन सी हाउ डिफरेंट मतलब आ जाता है एकदम से मस्कारा लगाते ही. सो हाईली रिकमेंड, डू इट, यूज इट एंड लेट मी नो. मतलब ये मस्कारा अगर आप लैशेस प्रेफर नहीं करते हो और आपकी लेंथ अच्छी लैशेस की, तो यू शुड मस्ट बाय दिस मस्कारा.